Congress has now fielded Rahul Gandhi from Bareilly. Since we're talking about the association of this particular family, there's sure a legacy that is there on one aspect of it, but what are the numbers looking like in the past couple of years? My colleague Shweta, of course, continues to stay with us in the newsrooms, so let's find out from her what are the essential takeaways that the viewer has to know. बिल्कुल निवेदना थैंक यू और दर्शकों को बता देते हैं किस तरीके से रायबरेली सीट और अमेठी सीट दोनों ही कांग्रेस के लिए बेहद अहम सीट रही है सबसे पहले यहां पर हम लेगेसी की बात करेंगे विरासत की बात करेंगे खासतौर तो पर रायबरेली सीट को लेकर यहां पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता है वो यहां से जीत दर्ज किए इसमें तमाम नाम है आपको बता दे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिनके द्वारा प्रेजेंट की गई रायबरेली सीट इंदिरा गांधी को जीत मिली फिरोज गांधी को जीत मिली इसके बाद जो अन्य नेता गण थे और चाहे फिर सोनिया गांधी हो आगे चल के उन्हें भी रायबरेली सीट से निश्चित तौर पर जीत मिली अब हम यहां पर बात कर लेते हैं खासतौर पर रायबरेली सीट की अगर बात की जाए तो पिछले तीन लोकसभा चुनाव की ये आंकड़े हमने आपको दिए हैं ग्राफिक्स के माध्यम से समझाऊंगी कि 2009 में ये है कांग्रेस पार्टी हालांकि 72.2 फीसदी वोट उन्हें जनता का मिला था और यहां पे पचपन दशमलव आठ बीजेपी के खाते में हालांकि दूसरी तरफ अगर 2014 में देखें तो बहत्तर से ये डिक्लाइन होके तिरसठ दशमलव आठ फीसदी हुआ यानी जनता का जो प्रेम था वो कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ और दूसरी पार्टी के लिए थोड़ा सा ऊपर हुआ तीसरी बात करेंगे 2019 लोकसभा चुनाव की देखिए ये फिगर किस तरीके से है यहां पर सिक्सटी के बाद पचपन फीसदी यानी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरी पार्टी को वहां पर थोड़ा मुनाफा रहा है लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो ये वोट प्रतिशत है जो रायबरेली तो कहीं कहीं उतारा गया है निवेदना लेकिन चुनौती जो है वो राहुल गांधी के लिए अहम होने वाली है इस ग्राफिक्स को देखने के बाद तो उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और क्या कुछ होगा जब नतीजा सामने आएगा बहरहाल वो भी देखने वाली बात होगी निवेदना I appreciate you breaking those numbers down for us more essentially that also, you know, it gives us a perspective of how it's changed over the years, which might or may not impact the overall results, like you pointed out, which all of us will, of course, know on June 4th. But for the moment, I appreciate you joining and, of course, all our other guests as well for sharing with us their perspective as to how they essentially thought of how this strategy of the Congress is going to pan out for the party. Let's leave it at that for the moment.